डॉक्टर आयशा हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर आयशा, मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान में ज़्यादतीस के मरीज़ को रोकने के लिए अगर हम बात करें तो ओवरऑल क्या कोशिशें इस वक्त हेल्थ सेक्टर कर रहा है, डॉक्टर पर्सनल लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, इस पर भी थोड़ी नज़र डालेगा। पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं डॉक्टर्स की, जैसे पाकिस्तान अंडरग्राउंड सोसाइटी है, वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो सोसाइटीज़ कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत के लेवल पे अगर हम देखें तो कोई इस तरह के प्रोग्राम्स जो डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो नेशनल लेवल पे कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि देखिए अब जो टाइम ज़माना है, लोगों का इंफॉर्मेशन बहुत आराम से हासिल कर लेते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिस जो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, यानी ये ना हो कि गलत सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल रही हो, एक तो अपनी मालूमात में जो है इजाफा करें, और सब लोग इंफरादी लेवल पे अपनी फैमिली, जैसे हमने पहली बात की, खवातीन जो है फैमिली का लाइफस्टाइल कर सकती हैं दुरुस्त, तो सब लोग अपनी अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसमें डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, वजन को कंट्रोल में रखना, और अपने जिन लोगों को जरूरत जो उस वाले रिस्क ग्रुप में आ रहे हैं कि जिनके टेस्ट होते रहने चाहिए और अपने टेस्ट करवाते रहें, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन डेफिनेटली नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम, खसूसन उन लोगों के लिए जो कि प्री डायबिटीज़ वाली पॉपुलेशन है, उस पर जो है वो सीरियस एफर्ट्स की जाएँ, क्योंकि डायबिटीज़ का के बढ़ने का मतलब है कि हमारे जो आगे कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी जिनके लिए फिर टर्शरी केयर की ज़रूरत पड़ जाती है, उसको मतलब कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करने का इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग मौजूद नहीं है। तो जिसके लिए ज़रूरी है ये कि हम सारी कौम इसको अपनी हेल्थ को अपनी जिम्मेदारी ले, इसको भी एक प्रायोरिटी रखे लाइफ में, और उसके लिए हेल्दी लिविंग और पेरेंट्स, जैसे अगर वालदैन खुद अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किए हुए ना, तो अगर वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा जो है वो, हम बच्चों को कहेंगे कि जी तुम हेल्दी लाइफस्टाइल करो या तुम एक्सरसाइज करो या तुम ये नहीं खाओ, तो वो नहीं करेगा। तो पेरेंट्स सब अपनी अपने आप को ठीक करें, अपनी खुद को भी बचाएं डायबिटीज से, अपनी नस्लों को भी बचाएं डायबिटीज से। डायबिटीज के मर्ज में अगर कोई खातून मुब्तला है तो अगर वो प्रेगनेंट होना चाहें तो उसमें उनको क्या आप मशवरा देंगे कि वो प्रेगनेंट हामला हो सकती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी डायबिटीज हो जाती है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या केयर होती है, अगर इस पर हम थोड़ी बात करें। अच्छा, वो खवातीन जिनको डायबिटीज पहले से टाइप 1 या टाइप 2 की शक्ल में, वो हमल का इरादा करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, और जब तक उनके डॉक्टर उन्हें इजाज़त ना दें हमल के लिए, तब तक वो एक इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन के एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग वाला तरीका जिसमें अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ना हो रही हो, ये बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ की पेशेंट्स के अगर शुगर्स अच्छी कंट्रोल होंगी और उन दवाइयों पर और इंसुलिन पे जो कि महफूज होती हैं प्रेगनेंसी में, उनसे हमल से पहले उनको उस तरह की दवाइयों पर और इंसुलिन पे कंट्रोल किया जाता है, और एक अच्छे कंट्रोल के साथ, और फिर ये कि उनकी स्क्रीनिंग आँखों की और गुर्दों की हुई भी हो, और जब डॉक्टर परमिशन दे दें कि ठीक है अब आपकी चीज़ें इतनी कंट्रोल में कि आप हमल कर सकती हैं, तब वो हमल की प्लानिंग करें, तो अच्छी प्लानिंग के साथ। और फिर हमल के दौरान हमल के जो अपने हॉर्मोन्स हैं वो ग्लूकोज लेवल्स बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी काफ़ी मेहनत करनी होती है, उसके लिए हेल्थ केयर टीम के साथ बहुत बार बार फॉलो अप्स करना, कंट्रोल रखना, शुगर मॉनिटरिंग करना, अपनी इंसुलिन की डोजेस को एडजस्ट करना, तो थोड़ी सी मेहनत होती है। यानी डायबिटीज़ की खवातीन की प्रेगनेंसी एक आम प्रेगनेंसी के मुकाबले में ज़रा सी चैलेंजिंग है, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और थ्रू आउट प्रेगनेंसी अच्छे कंट्रोल के साथ एक बहुत अच्छा आउटकम हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर आयशा, एक आखिरी सवाल, COVID-19 की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम, जाहिर है इस वक्त हमें अपने इम्यून सिस्टम पे काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ के मरीजों की बात करें तो उनके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए कि वो COVID-19 से बच सके। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में COVID-19 होने का कोई इजाफी खतरा नहीं है, यानी अगर हम ये कहें कि एक शख्स जिसको डायबिटीज़ नहीं है कम्पेयर टू एक और शख्स जिसको डायबिटीज़ है, क्या डायबिटीज़ वाले शख्स में ज़्यादा खतरा होगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट में अगर COVID-19 हो जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा ज़रा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि COVID-19 की वजह से इंसुलिन के काम के खिलाफ मुज़ाहमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इवन
न्यू आंसर डायबिटीज, यानी वो लोग जिनको डायबिटीज नहीं थी और कोविड-19 के वजह से उनको डायबिटीज डेवलप हो गई, तो ये भी देखने में आई है दुनिया भर में। तो जितना अच्छा शुगर कंट्रोल होगा, वो सिर्फ ये नहीं कि कोविड-19 की इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो सकती है, उसका आउटकम अच्छा हो सकता है अगर ग्लूकोज लेवल्स कंट्रोल रहे हों। तो इसलिए एक तो डायबिटीज़ के जो लोग हैं उन्हें ये मेहनत करनी कि अपनी ग्लूकोज लेवल्स को अच्छा कंट्रोल रखें, और सिर्फ कोविड-19 से बचने के लिए नहीं, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, अपनी हेल्दी लिविंग के लिए भी इसको कंट्रोल में रखें। हमें थोड़ा सा बताइएगा ये टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, इसमें क्या अलामतें होती हैं, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इसके? अंबर, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ की जो दो बड़ी किस्में हैं, मतलब इसके अलावा भी कुछ इकसाम होती हैं, लेकिन चूँकि ये ज़्यादा कॉमन है इस वजह से हम इन्हीं का जिक्र करेंगे आज के शो में। टाइप 2 वो है जो हमने जिसका पहले भी जिक्र किया कि खामोश बीमारी जिसमें आपको कोई अलामत भी नहीं हो रही होंगी, और टाइप 2 के मरीज़ वो है जो कि डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज और दवाइयों के साथ काफ़ी अर्सा अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको बिलाखिर एक स्टेज पे जाके इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली लोगों के अंदर थोड़े से ऐसे मिथ्स भी हैं, जहाँ हम इंसुलिन की अभी बात करें तो मैंने सोचा ये सवाल भी साथ में ही पूछ लूँ कि लोग समझते हैं कि नहीं, अगर वो दवाई खा रहे हैं तो तभी ठीक है, इंसुलिन लेना वो शायद घबरा जाते हैं कि नहीं इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और इंसुलिन एक अजीब सी चीज़ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि ये इंसुलिन इज़ मच बेटर देन दवाई अगर आप पिल्स ले रहे हैं। और टाइप 2 में भी इंसुलिन की पैदावार 50% से कम हो चुकी होती है, और तब टाइप 2 भी नमूदार होती है, जिसका मतलब है कि जो सबसे बड़ी पैथोफिजियोलॉजी है डिजीज़ में वो इंसुलिन की कमी या इंसुलिन का ना होना। लेकिन ये इंसुलिन के साथ जो मिथ्स हैं वो जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में होती हैं उसी तरह वो एक उसकी कोई बेसिस नहीं है एक्चुअली। तो इंसुलिन ही वो हार्मोन की कमी है जिससे हमें, तो वो हमें बाहर से चाहिए, जब उसकी ज़रूरत होगी तो इंसुलिन से ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। और इंसुलिन का शायद एक बहुत बड़ा जो लोगों के जहन में खौफ होता है वो, चूँकि वो इंजेक्शन की शक्ल में, अगर इंसुलिन गोली की शक्ल में हो तो गालबन इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस या मुजाहमत लोग ना उसके बारे में करें। लेकिन ये कि इंसुलिन दुनिया में इंसुलिन की गोली पे भी काम हो रहा है, हो सकता है कि अगली एक दिहाई में गोली की शक्ल में भी इंसुलिन मौजूद हो। अहम चीज़ जो है ना वो ये समझना है कि अगर हम अपनी ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल नहीं रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं रखेंगे, तो तब पेचीदगियाँ होंगी। डॉक्टर आयशा, कि इस वक्त इस पॉइंट पर हमें ये बात करने की भी ज़रूरत है कि कोविड-19 की वजह से यकीनन हमें इसे एहतियात करनी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम, कम से कम घर से बाहर निकलना से ही हम इस वायरस से बच सकते हैं। जहां हम इन तमाम SOPs को फॉलो करते हैं, वहां एक दूसरी चीज़ भी नज़र आती है कि लोगों का घर पे बैठना, बेवक्त खाना खाना, रातों को देर तक जागना, और स्पेशली अगर बच्चों की भी बात करें तो ऑनलाइन स्कूलिंग है, सारा दिन बैठे हुए हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें भी डायबिटीज़ को इन्वाइट कर रही हैं कि भाई आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि शायद हम और पेशेंट्स का वेलकम कर रहे होंगे जो इस मर्ज में मुब्तला हो चुके होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि लाइफस्टाइल के बारे में कि किस तरह हम अपनी रूटीन इस कोविड-19 में भी बेहतर रखें ताकि हम इस मर्ज से बच सकें। कोविड-19 के वबा के ज़माने में मेरा ख्याल है सारी दुनिया के सामने एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इंसान की जो सेहत है वो सबसे अहम है, यानी सेहत की खातिर पूरी इंडस्ट्री, बिजनेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे सब बंद हो सकते हैं, यानी कि सेहत टॉप है, टॉप प्रायोरिटी दुनिया की जो है। तो इसका मतलब है कि ये टाइम है जिसमें हम सबको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको भी अब उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। कोविड-19 पेंडेमिक के ज़माने में खसूसी तौर पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिस आपने कहा सोने जाने की आदत बहुत बदल ली, और खाने पीने की टाइमिंग्स का, और एक्सरसाइज, चूँकि पार्क्स बंद थे तो जो लोग एक्सरसाइज करते भी थे वर्जिश वो नहीं कर रहे थे। और इवन कोविड-19 से पहले भी मेरा ख्याल है जो कराची की खास तौर पे अगर हम बिजनेस कम्युनिटी को देखें तो उनके लाइफस्टाइल से मुझे बहुत बहुत तशवीश है कि वो लेट नाइट सोना और फिर सुबह देर तक सो के अपनी नींद पूरी करना, या अपने सोने के घंटे ही पूरी ना करने, यानी एक एडल्ट जो एक बालिग फर्द है उसको कम अज कम 7 से 8 घंटे एक अच्छी नींद रात की होनी चाहिए। तो वो लोग जो लेट सो रहे हैं और सुबह या तो लेट उठ रहे हैं या अपनी नींद ही नहीं पूरी कर रहे हैं, उनमें इंसुलिन के काम के खिलाफ मुजाहमत बढ़ती है।